आखिर क्यों शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? अगर नहीं सुना तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से यही सुनाने जा रहे हैं कि जो शेर जंगल का राजा कहलाता है, जिस शेर से जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते हैं, जिस शेर के दहाड़ से जंगल के सभी जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं, जाबाज और खूंखार शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है। क्या शेर कमजोर दिल होते हैं या इसके पीछे कुछ और वजह है? आखिर क्या है शेर के आत्महत्या करने का राज? आखिर क्यों शेर को बूढ़ा होने पर उसे उसके झुंड से बाहर निकाल देते हैं? झुंड से बाहर होने के बाद शेर कैसे अपना जीवन बिताता है? जब शेर को झुंड में से बाहर निकाल दिया जाता है तो शेर से जुड़ी हुई यही सब बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे इंसान अपने जीवन के अनुसार चलता है, ऐसे ही जंगली जानवर भी अपने जीवन के हिसाब से चलते हैं और उनकी भी कुछ परंपराएं होती हैं। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन जंगल का राजा कहलाए जाने वाला शेर अपने जीवन के अंतिम पल में बहुत बड़े मुसीबत में आ जाता है और उसके पास मरने के सिवा कुछ और नहीं बचता। दरअसल शेर एक समूह में रहने वाले प्राणी होते हैं। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि झुंड बनाकर ही चलते हैं और झुंड में ही रहते हैं। शेर के एक झुंड में लगभग 15 से 20 सदस्य रहते हैं और सभी सदस्य आपसी तालमेल बना के रहते हैं। शेरों के झुंड में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनी की होती है। झुंड में 4 या 5 ही नर शेर होते हैं, बाकी सभी शेरनियां होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शेर के बच्चे पैदा होते हैं तो 2 हफ्ते बाद उसकी आंखें खुलती हैं। जब तक अपने बच्चे की आंखें नहीं खुल जाती, तब तक शेरनी लगातार अपने बच्चे के पास ही रहती है। इस दौरान झुंड के बाकी सदस्य इस शेरनी का पालन पोषण करते हैं। लगभग 4 हफ्ते बाद शेरनी के बच्चे चलना फिरना सीखते हैं। जब वो चलने फिरने के लायक हो जाते हैं तो झुंड के साथ ही इधर उधर चलने लगते हैं। जहाँ जहाँ शेरों का झुंड निकल पड़ता है, शेरों के बच्चे भी इनके पीछे चलते हैं। लगभग 3 महीने के होने के बाद शेर के बच्चे भी शिकार करना सीख जाते हैं और शिकार करने में अपने झुंड के शेरनियों का सहायता करते हैं। लेकिन इनमें से जो नर शेर होते हैं उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुन के काफी अजीब लगती होगी, लेकिन शेरों के परिवार की यही परंपरा होती है कि बूढ़े शेरों को अपने झुंड से निकाल देते हैं, क्योंकि वो ना तो शिकार करने में काम आते हैं और ना झुंड की देखभाल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें झुंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि जो नर शेर खुद शिकार नहीं कर सकता, वो झुंड से अलग होकर अपना पेट कैसे भरेगा? अपनी यही समस्या पर बूढ़ा शेर नया तरीका खोज निकालता है और सब बूढ़े शेर अपना एक झुंड बना लेते हैं। इस झुंड को लेके वो शेर दूसरे झुंड के शेरों के समूह पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद वो झुंड के मुखिया शेर को हराकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और इसके बाद उस समूह का मुखिया खुद बन जाते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस मुखिया शेर को हराकर उसके ही झुंड से निकाल दिया गया, आखिर वो बूढ़ा शेर जाएगा कहाँ और कैसे अपना पेट भरेगा? क्योंकि ना तो उसे शिकार करने की तकनीक पता होती है और ना ही वो इतना चतुर होता है। हालांकि जंगल में कहीं कोई जानवर अपने आप मर जाए तो वो उससे अपना भूख मिटा सकता है, लेकिन किस्मत उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है कि हर बार इसे ऐसा भोजन मिल जाए। ऐसी अवस्था में वो बूढ़ा शेर काफी चरमरा जाता है और उसके हालात दिन पर दिन खराब होते जाते हैं। ना तो वो चलने फिरने के लायक होता है और ना ही दहाड़ने के लायक बचता है। उस बूढ़े शेर की अवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो आत्महत्या कर रहा है। इसी तरह वो बेचारे अपना जिंदगी त्याग देते हैं। यह सब सुन के आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि जानवरों का भी जीने का असूल होता है, उनका भी समाज है, यह भी जीव है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। और हम इंसान ये सोचते हैं कि वो तो जानवर हैं, हमारे उपभोग की चीजें, हम उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, उन्हें मारकर खा रहे हैं, जितना बुरा हो सकता है वो सब हम उसके साथ कर रहे हैं। इसका बदला प्रकृति हमसे कोई ना कोई बहाने से ले ही लेती है, कभी महामारी तो कभी कोई बहाने से। ये बात हमें समझना होगा कि इस धरती पर जितने सभी जीव हैं, सबको जीने का अधिकार है। हम इंसान को सभी जानवरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे बातों से कितने लोग प्रभावित हुए
कमेंट में जरूर बताएं और ये खबर सब तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक रोचक जानकारी के साथ, और आप सबको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।